Do subscribe and don't forget to press the bell icon to get instant notifications. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राधिका फन एंड लर्न में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं हमारे देश के फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को उनका जवाब पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है कि भगत सिंह को और किस नाम से जाना जाता था? जरा सोचिए। दोस्तों, इसका जवाब है शहीद भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह बहुत कम उम्र में हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, मेरा अगला सवाल है कि सरोजनी नायडू को हमारे देशवासियों ने एक और क्या नाम दिया था? सोचिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों, मेरा अगला सवाल है कि आयरन मैन किसे कहा जाता था? जरा सोचिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, और बता दें कि वो इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे। तो दोस्तों, मेरा अगला सवाल है कि लाला लाजपत राय जी का हमारे देशवासियों ने एक और क्या नाम रखा हुआ था? उन्हें प्यार से लोग क्या बुलाते थे? जरा सोचिए। दोस्तों, इसका जवाब है पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों, मेरा अगला सवाल है कि महात्मा गांधी को हमारे देश में और किस नाम से जाना जाता है? जरा सोचिए। दोस्तों, इसका जवाब है कि प्रमुख तरीके से उनको फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, पर काफी लोग उन्हें बापू या बापूजी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों के पास हमारे देश के फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड कोई भी फैक्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी अगले वीडियो में आपके नाम के साथ उन फैक्ट्स को और उन क्वेश्चंस को सबके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।